काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने बालों पर जो है कैरोटीन करवा लेती हूँ। कैरोटीन का मतलब होता है कि बालों को स्मूथ इन सिल्की करवाना। मेरे पहले ही अच्छे खासे बेहतर थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये पंगा ले लेती हैं। तो हम पहुंच गए मोनालिसा ब्यूटी सैलून, मतलब मोनालिसा ब्यूटी पार्लर, जो डीजी खान का काफ़ी मशहूर और मारूफ ब्यूटी पार्लर है। तो इन्होंने मेरे बालों की कैरोटीन कर दी है। मुझे तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन आप सब कमेंट में बताएं कि कुछ आपको भी फ़र्क लग रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बहन भाई मेरे बाल देख चुकी हैं। बिफोर इन आफ्टर रिज़ल्ट आप खुद कमेंट में बताएं। सुबह ही सुबह बारिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है हमारी तमाम देखने वाली ऑडियंस खैरों के लिए से होगी। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने और जाने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज कर रहे हैं, तकरीबन 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मेरी 3-4 दिन से तबीयत बिल्कुल खराब थी, दिल उदास था, वीडियो बनाने का भी दिल नहीं करता था। तो आज कुछ तबीयत बेहतर हुई, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बुखार हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपनी मदद आपके तहत अपनी रोजी तो करनी है, क्योंकि ना शौहरों में वफा है ना बच्चों में वफा है। जब तक जिंदा है अपने पाँव पर अल्लाह पाक सलामत रखे और अपनी मेहनत करके है किसी के मोहताज हुए बगैर इस दुनिया से जाएं। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें। और गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसल दिन रात जो बारिशों ने की हमारे साथ, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हमारे पूरे घर की छत टपक रही है, साथ में हमारे इलाके के साथ साथ भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हर मुसलमान के घरों को महफूज रखे, हर मुसलमानों को उनकी जान और माल की हिफाजत करे, क्योंकि मरका पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थी। गए में इतना बादशाह 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 थे, दरियाएं को जोर थी गए, नहरें दे बंद टूटते पैन थे, ही वजह तो साढ़ा पक्का घर थी, सारी छत जरिए त्रिमदी पी, क्योंकि मुसलसल 3-4 दिन तो जरिए बारिश खड़ी है। ऊँ पक्के घर का ये हाल कर रखे, तो तुसा ये सोचो कि जिन्हें कच्चे घर हैं उन्हें नहीं क्या हालत है। उसी मारका बारिश एक कम किते के सारिया पक्या छतों भी त्रिम पैन देख सकते वे, और उत्ते जी मोमटी की छत है वो ज्यादा देख सकते वे त्रिमी है। उन्हें मसले का हल कटे ने, क्योंकि मुतवातिर 3-4 दिन तो बारिशा खड़ गए, बारिशा बिल्कुल रुकण ना ना कहने गिंदिया पिया। तो अल्लाह माले के ये तो पक्के घरे का हाल है, पता कच्चे घरे वाले लोग शोदे कि गुजरे ने पाओ सन। मारका सा नेट ते तरीका नहीं थे, हूँ तरीके दे उते अमल करें दे पैसे एक ही देसे साली। फिलहाल 100 रुपए का पेट्रोल ते समंदर दी जग असा की दी कुछ नहीं। मारा पहले तो पता एलसीडी दे विच इन्हां चीज़ां होंदियां पे डब्बे च, वो डब्बा लाता हूँ जो मैं हाली एक अजी मी ते पेट्रोल भी थोड़ा जा गिदे मी तजर्बा लग रहे सी, कामयाब थी वे सी छत त्रिमदी पीए ते वह दिन पेट्रोल दे विच ये चीज़ का हिस्से करके रेड़े दे पवे मुंगर रखी बैठे से इन्हें मिक्स करते मिक्सचर बने दे से, तो दिन जितों छत त्रिमदी पी होवे डल होवे सीमेंट ना जमदा पिया हो उत ही चीर इन भरीज पेंदन ते ता हयात जरा वो जड़ा है ना वाला ऊंचा तो सुराख नहीं थी छत को डलती नहीं। ये देख सकते वे इतना हद तक फोम जरा ये सही को चूरा करगी धोनी ने कटेंदे से पेट्रोल। ये जो ही अगर तू सही मिक्सचर बने सो दे दे पवे जो ही पेट्रोल दे विच वेसी इमे जल्दी जल्दी हट मारका जुलदे पैसे हूँ छत ते जुलते अपने तजर्बे को कामयाब करें दे से। ये देख सकते वे इवें दराड़ा आंगन पूरी छत ते पहले लवाया से सीमेंट तो सीमेंट वाला पटीज गए बारिश के पानी नाल, ते हुण उन्हें आके बिल जिथा दराड़ा होवे ना यो तजर्बा करो ते इंशाल्लाह कामयाब थी सी। अल्लाह करे दुआ करो कामयाब थी वंजे लेंदे पियो बिस्मिल्लाह करते दे वे ऐसा सारी दराड़ फिलहाल भर दी थी, क्योंकि तले छत भी यही सी नहीं ते ए तक ला दीते से। देखो तजर्बा सारा कामयाब थी ने ते वाला मजीद भी आ पेट्रोल गिनसू नहीं ते इवें समझे 100 रुपए दा पेट्रोल भी टीज पिया। हुण जुलदे पैसे तले जुलते नाश्ता पानी करे नु भुख बहुत ज्यादा लगी कड़िए। नाश्ता मैंने कर लिया है, अभी मशीन लगा ली है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हैं। कपड़े भी धोएंगे साफ सूखे या ना सूखे वो हमारा नसीब, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता 4-5 दिन से छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे खासे कपड़े जुड़ गए थे। मैंने सोचा कि बरामदे में हमने छत वाले पंखे लगवा लिए हैं,
तो धोकर बरामदे में डाल देंगे, चारपाइयों पर, सीढ़ियों पर, कहीं ना कहीं सूख ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो पहनने वाले हैं सारे मैले हो चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बहन आरजे महविश के साथ जुड़े रहे। माशाल्लाह आज धूप भी कुछ शक्ल दिखाना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं धूप अभी हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई है। बस दुआ करें कि अब बारिशें ख़त्म हो जाएं और धूप निकल आए। वैसे तो इंसान नाशुक्र है, धूप थी गर्मी थी तो हम कहते थे कि अल्लाह करे बारिशें हों, और बारिशें जब इतनी अल्लाह पाक ने हमें नवाजी तो पूरा शहर ही डूबन लग गया हमार का। और ये देख सकती हैं सारी बेड शीटें, क्योंकि बच्चों ने सर्दी की वजह से कमरे में सोना शुरू किया, तो दोनों तीनों कमरों की बेड शीटें, कपड़े सारे मैले हो चुके हैं। मशीन देख सकती हैं लग गई है, यहाँ तक बेड का कवर जो है इस पर भी छोटी मुस्कान ज़ारा ने पेशाब कर दिया था, पैम्पर वगैरह थे नहीं, ख़त्म हो गए थे। सो ये सारे कपड़े भी धोते हैं और साथ साथ अपनी जो डेली की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारी YouTube फैमिली, सारा दिन आज संडे था, भागा दौड़ी करने के बाद आपकी बहन आरजे की हालत देख सकती हैं आप, भिखारियों जैसी हुई खड़ी है। सारा दिन मशीन लगवाई और चार पांच दिन के बाद आज हमारा घर माशाल्लाह से साफ सुथरा हो गया है, क्योंकि बारिशें थी, बारिशें मुसलसल हो रही थी तो इसी वजह से पूरा घर पानी पानी हुआ हुआ था। सो आज तकरीबन सेकेंड टाइम के करीब धूप जैसे ही निकली तो हमने पूरे घर की सफाइयाँ की, तो माशाल्लाह आरजे हाउस जगमगा रहे हैं। जिस तरह से हर खातून के लिए जो समझदार औरत होती है, जो समझदार लड़की होती है, उसके लिए अपना घर अपनी जन्नत होता है, तो आपकी बहन के लिए भी उसका घर जो है जन्नत है। तो मेरा घर जब साफ सुथरा हो जाता है तो मेरे दिल जो है ना, दिल को सुकून आ जाता है, मैं पुरसकून हो जाती हूँ, फिर चाहे मेरी हालत खुद की चाहे जैसी भी हो। देख सकती हैं बाल बिखरे हुए हैं, मुंह धोया नहीं है सुबह से, लेकिन मैंने सोचा शाम होती जा रही है, वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं और एक बार आपको बैक कैमरे से सारा विजिट करवा देती हूँ कि माशाल्लाह हमारे बरामदों के पंखे भी लग गए और हमने अपनी सीढ़ी में भी शीशा लगवाया है, क्योंकि इसका भी आजकल ट्रेंड चला हुआ था, तो मैंने सोचा हम भी अपनी सीढ़ियों में एक मिरर लगवाएं। कपड़े हमारे टोटली धुल चुकी हैं, छत से चलती हैं उनको उतार कर लाती हैं, उनको लपेटती हैं, तकरीबन शाम के 5 होने वाले हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरे दिल को आज इतनी खुशी हुई खड़ी है कि वाकई मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। आज मैं अपने आप को खुद दाद देती हूँ, जितना भी लोगों ने मुझे तोड़ा, जितना भी हालात ने मुझे तोड़ा, जितनी भी अल्लाह पाक ने मेरा जो नसीब लिखा उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने डटकर हालात का मुकाबला किया। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि मेरी टिकटॉक की अर्निंग भी आ चुकी है, मेरी फर्स्ट टिकटॉक की अर्निंग, हाँ जी। और ये सिर्फ मेरी 2 दिन की है, 2 दिन की। आज मैंने मशीन लगाकर कपड़े भी धोए, यूट्यूब की वीडियो भी बनाई, साथ में मैं टिकटॉक पे भी लाइव बैठी। कल और आज में जो मेरी टिकटॉक की अर्निंग हुई, फर्स्ट अर्निंग, वो कितनी है वो निकलवाने जा रहे हैं, कितने डॉलर है सो वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि नज़र लग जाती है। पहले भी इसी चीज़ों को दिखाती गई, सब ने मुझे ऐसी नज़र लगाई, चंद ऐसे मुखालिफ थे, क्योंकि कहते हैं कि नज़र जो होती है बहुत बुरी होती है। तो वो मेरी अर्निंग आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून है, दिल को एक खुशी भी है, दिल को बहुत ज़्यादा रोना भी आया हुआ है कि काश मेरी बेटी मुस्कान मेरे साथ होती तो पता नहीं आज हम एक दूसरे के गले लग के कितना रोती और कितना जो है ना खुश होती हूँ। बस अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं हर उस खुशी में, हर दुख में अपनी बेटी को याद करती हूँ और ये दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हिम्मत दे हालात से लड़ने की जब तक मेरी ज़िंदगी है। मेरा सिर्फ अब एक ही ख्वाब है कि मेरे बच्चों की कुछ अच्छी तरबियत हो जाए, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। उसके बाद मेरे दिल की जो दूसरी ख्वाहिश है वो ये है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जिस तरह से मैंने डटकर हालात का मुकाबला किया है, मुझे मरते दम तक अल्लाह ताला यही हिम्मत दे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे किसी बेगैरत के आगे झुकने से बेहतर है कि मैं ऐसे ही हालात का डटकर मुकाबला करूँ। और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी भी है कि मेरी टिकटॉक की पहली अर्निंग आई। जिस तरह से एक दिन मेरी यूट्यूब की अर्निंग आई थी तो मैं बेइंतहा खुश हुई थी, तो आज टिकटॉक की फर्स्ट अर्निंग निकलवा के मैं अपने घर की क्या चीज़ लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी हक हलाल की जो मेरी मेहनत की कमाई होती है उससे अपने घर की चीज़ें लेना, घर को संवारना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो इंशाल्लाह सुबह वाली वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मैं टिकटॉक की अर्निंग निकलवा कर घर का कौन सा काम करवाती हूँ। तो मिले बारिशें इतनी शदीद हुई थी कि पूरा घर जो है ना पानी पानी हुआ था, आज कुछ धूप निकली तो पूरा घर भी अच्छा खासा साफ। और आप सब देख सकते हैं बेड शीटें और कवर वगैरह सारे हमने धोए, ये माशाल्लाह पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। छत पर लिए चलती हैं, जो कपड़े खुश्क हो गए वो भी उतारती हैं और माशाल्लाह देखिए हमारी जो है ना
बरामदे में भी पंखे लग गए और सामने सीढ़ी पे भी मिरर हमने लगवा दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। इंशाल्लाह भी बस किचन बनवाना बाकी रह गया है। जैसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जो है ना किचन भी बनवा लेंगे। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ, कहीं कोई और प्लाट लूँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करूँ अपनी मेहनत की कमाई से। ये देखें सारा दिन हमने एक ही दिन में कितनी मैंने मेहनत की होगी आप खुद सोचें। मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलकर कपड़े भी वाश करवाए, साथ में वक्तन फवक्तन लाइव को भी टाइम दिया और जो है ना अभी ये कपड़े सारे उतार कर लपेटूंगी। तो देखें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे कि मैं इस तरह से हालात से लड़ती रहूं। और मेरा आज उन औरतों को पैगाम है, प्यारी बहनों, रोने से या अपने गम में पागल होने से बेहतर है डट कर हालात का मुकाबला करो।